हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स। सभी वर्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। फर्स्ट वर्ड इज़ इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय, और अदम्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके। He has hired an indomitable lawyer who said she would continue to fight for justice. उसने एक अदम्य वकील को नियुक्त किया है जिसने कहा कि वह न्याय के लिए लड़ती रहेगी। He is known for his indomitable willpower and determination. वह अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है foment. Foment वर्ब है और इसका मतलब होता है हिंसा या उपद्रव करना या उसे बढ़ावा देना, उकसाना, उत्तेजित करना या हिंसा को भड़काना। द मूवी इज़ बैंड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट माइट फोमेंट कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। फिल्म को इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि यह सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा दे सकती है। दे अक्यूज्ड द ग्रुप ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। उन्होंने समूह पर राजनीतिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट वर्ड है स्निपिट। स्निपिट नाउन है, जिसका मतलब होता है छोटी सी जानकारी या खबर, फुटकर समाचार, जानकारी का टुकड़ा या अंश। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग स्निपिट ऑन अ मैगजीन। मैंने एक पत्रिका में एक दिलचस्प अंश पढ़ा, मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। आई वॉन्ट टू शेयर सम स्निपिट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। मैं परियोजना के संबंध में कुछ छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। रेमेडी। रेमेडी वर्ब है और इसका मतलब होता है गलत या अनुचित को सुधारना, ठीक करना, मरम्मत करना, चंगा करना, उपाय करना या किसी खराब सिचुएशन को हल करना। वी हैव टू डू समथिंग टू रेमेडी दीज प्रॉब्लम्स। हमें इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ करना होगा, मतलब समस्याओं को हल करने के लिए। दिस मिस्टेक मस्ट बी रेमेडीड इमीडिएटली, अदरवाइज इट विल रुइन अवर करियर। इस गलती को तुरंत सुधारना चाहिए, वरना यह हमारा करियर बर्बाद कर देगी। अगला वर्ड है लोडसम। लोडसम एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है घृणित, नागवार, घिनौना, बीभत्स, घृणास्पद, घृणायोग्य या नफरत के लायक। आई फाउंड हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द लेडी लोडसम एंड अनजेंटल मैनली। मुझे उस महिला के प्रति उसका व्यवहार घृणित और असभ्य लगा। अनजेंटलमैनली का मतलब होता है असभ्य, जो जेंटल लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। द पुलिस डिस्क्राइब्ड दिस मर्डर एज वन ऑफ द मोस्ट लोथसम क्राइम्स ऑफ रिसेंट ईयर्स। पुलिस ने इस हत्या को हाल के वर्षों में सबसे घृणित अपराधों में से एक बताया। हॉन्ट। हॉन्ट वर्ब है और इसका मतलब होता है दुखद प्रसंग या कोई दुख देने वाली बात का दिमाग पर छाए रहना, बार बार याद आना या उस बात का परेशान करना। दीज डेज एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। इन दिनों कर्मचारियों या श्रमिकों को रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब बदले जाने का डर सता रहा है, रिप्लेस किए जाने का डर सता रहा है। That black day when I lost my father haunts me still after many years. वह काला दिन या वह अशुभ दिन जब मैंने अपने पिता को खोया था, वह कई वर्षों के बाद भी मुझे परेशान करता है। Vex. Vex verb है और इसका मतलब होता है सताना, दुख देना, खिझाना, तंग करना, परेशान करना, कष्ट देना या विक्षुब्ध करना। Don't vex the dog by pulling its tail or else it will bite you. कुत्ते की पूंछ खींचकर उसे परेशान मत करो, नहीं तो वह तुम्हें काट लेगा। राइजिंग कुकिंग गैस प्राइजेज आर वैक्सिंग मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द कंट्री। रसोई गैस की बढ़ती कीमतें देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशान कर रही हैं। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिद्दी, हठी, हठीला, दुसाध्य, मतलब कि जिससे निपटना मुश्किल हो या जिसको हैंडल करना मुश्किल हो या अपनी बात से ना हटने वाला। दैट वॉज एन ऑब्स्टिनेट टाइप ऑफ वायरस बट इट हैड बीन गॉट अंडर कंट्रोल। वह एक जिद्दी किस्म का वायरस था लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। ऑल दो रोहन वॉज रॉन्ग बट ही वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू अपोलोजाइज हिज मिस्टेक। हालांकि रोहन गलत था लेकिन वह इतना जिद्दी था कि अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग सकता था। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पोरैडिक। स्पोरैडिक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनियमित, कभी कभी होने वाला या अत तत्व होने वाला, और सेकंड मीनिंग होता है छिटपुट यानी कि कहीं कहीं।
द डॉक्टर डिसाइडेड टू हॉस्पिटलाइज माई मदर बिकॉज ऑफ हर स्पोरैडिक हार्ट बीट। डॉक्टर ने मेरी माँ की अनियमित दिल की धड़कन के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया। After heavy rainfall and storm, there were sporadic power outages in our town. भारी बारिश और तूफान के बाद हमारे शहर में छिटपुट बिजली कटौती हुई, छिटपुट यानी कि कहीं कहीं बिजली कटौती हुई। Vouchsafe verb है और इसका मतलब होता है कृपा पूर्वक प्रदान करना, देने की कृपा करना, प्रदान करना या विश्वास करके बताना या खुलासा करना। I asked him but he refused to vouchsafe me the details. मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे विवरण देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। He vouchsafed the secret to his right hand man. उसने अपने दाहिने हाथ वाले यानी कि ट्रस्ट वाले व्यक्ति को रहस्य बता दिया, मतलब जिस पर वो ट्रस्ट करता था उसे रहस्य बता दिया। तो वाउचसेफ का फर्स्ट मीनिंग होता है किसी को कृपा करके कुछ देना और सेकंड मीनिंग होता है किसी पर विश्वास करके कुछ बताना या कोई सीक्रेट का खुलासा करना। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि ये वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही यूज़फुल हैं। इस तरह से कोई भी वोकेबलरी लेसन हर तरह से हमारे लिए यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।